ये जो हरिजन जाति है, ये हरिजन जाति का शब्द कहाँ से आया उसके बारे में आप बताइए। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि जो देवदासी कस्टम है जी, देवदासी कस्टम ये कहता है कि जो भी बहन बेटी विडो हो जाए जी, वो समाज में चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। यद्यपि राजा राममोहन राय ने इस पर काम किया है लेकिन वो पूरी समाप्ति नहीं हुई। तो वहाँ से अब जो बहन बेटी जी, आज भी आप देख रहे होंगे राजस्थान में गोद में बच्चा है, बेटा बेटी लेकर के बैठे माँ बाप और शादी करा रहे हैं, लेकिन आज मैं भारत सरकार का भी कहना मान लूँ कि 18 साल का बिटिया और 21 साल का बिटिया का शादी हो जाए और वो अपना वैवाहिक जिंदगी जी रहे हों लेकिन मौत पर किसी का कंट्रोल नहीं है जी, बिल्कुल सही बात। और वो बहन बेटी विधवा हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी जो जीवन काल मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य है जी, उसको हासिल करने के लिए वो यलम्मा देवी के मंदिर में समर्पित कर देना चाहिए जी, उस थ्योरी के हिसाब से जी, जैसे वो वहाँ पेश कर दी। अब मेरे समाज के लड़कों को तो मिलता नहीं अच्छा खाना पीना, उन बहन बेटियों को तो और बुरी हालत है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ जाती हैं वहाँ मंदिर पर जो चढ़ावा चढ़ता है चाहे उसको झूठा मिले, ड्राई फ्रूट हो, फ्रेश फ्रूट हो, चाहे कोई मिष्ठान हो, तो भले ही उसको पंडे पुजारी का झूठा मिले, उस बहन बेटी को कुछ कुछ मिलता है तो उसके तन बदन में कुछ जान आती है। उधर वहाँ का जो पंडा पुजारी वो मलंग है खा पी करके जी। और मनोविज्ञान ये कहता है कि जमीन के प्रत्येक जीव की भोजन के बाद दूसरी तमन्ना समागम की होती है जी। उस थ्योरी के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार, उधर वो मेरी समाज की बहन बेटी, उधर वो मलंग पंडा पुजारी, दोनों स्लिप हो गए और वो बहन बेटी कहीं प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर ये मेरे शब्द कड़वे हैं, ये लोग उसे फिर मंदिर के प्रमिसेज में नहीं आने देते हैं। जो पीछे की साइड में सर्वेंट क्वार्टर होते हैं वहाँ पर ये उसे रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था का नियम है कि 9 माह बाद तो उस बच्चे का जन्म होना है, जमीन पर आना है। जैसे ही वो गर्भ पूरा होता है और बच्चा पैदा होने को होता है तब ये पूरा का पूरा वहाँ का ब्रह्मनिकल सिस्टम एक आवाज़ देता है, ओ हो हरि के घर में पैदा हुआ है, हरि का बंदा है, हरिजन है। हाँ, तो ये शब्द वहाँ से है पैदाइश, इसलिए ये गाली है, ये गाली है, ये गाली है, सम्मान नहीं है। और उसी बात पर तो मान्य बहन जी ने कह दिया था कि अगर गांधी जी हमको हरिजन कह रहे हैं तो वो अपनी बताएं ना, वो क्या शैतान की औलाद हैं, वो क्या शैतान के जन्म। और साहब अभी तो हम बहुत अंधेरे में, गांधी जी की बात हुई, गांधी जी के लिए लोग कहते हैं कि भी देश को आज़ाद कराए, अरे भैया थोड़ा दिमाग तो लगाओ। मई 1857 में जी, सबसे पहला गदर हुआ आज़ादी का मेरठ से, और गांधी जी कब पैदा हुए, 2 अक्टूबर 1869 को, 12.5 साल बाद जी। अगर 9 महीने का टाइम होता तो मैं ये भी मान लेता कि ये वीरम मनु हो सकते हैं, माँ की कोख में सीख लिया होगा आज़ादी का, लेकिन ऐसा नहीं, 12.5 साल जी। और जिस दौरान गांधी जी पैदा हुए, भले ही धनाढ्य परिवार में हुए, लेकिन स्पष्ट है उस दौरान के 6 और 7 साल के बच्चे को सूसु करने का भी सलीका नहीं होता था। तो 12.5 साल वो, 6.5-7 साल वो, और चूंकि बैरिस्टर एटला किया है इन्होंने तो 22-23 साल की एक पीरियड में ये हो पाता है जी। ये तो अच्छा हुआ अफ्रीकियों ने एक थप्पड़ मारा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया, तब इनको वो हुआ एहसास कि यहाँ वर्णभेद नीति, अरे तो बाबा तुम्हारी इंडिया में भी तो वर्णभेद नीति है, जाति भी तो वर्णी है, ज्यादा तो ये जब हम देखें, हाँ ये टोटल मिला दें 12.5 साल, 7 साल और 22-23 साल, टोटल मिला करके 42-43 साल हो जाते हैं। तो 42-43 साल की अवधि में गांधी जी का देश को आज़ाद कराने में कोई योगदान नहीं रहा, हाँ देश को बंटवारे में जरूर रहा है।